मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी हर वीडियोस की नई नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम मरहबान, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल MSA Vlogs मुंबई। एक बात मुझे आपको ये बतानी है कि मेरे साथ एक हादसा हुआ है और इस हादसे की जो पूरी वारदात है मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, तो आप हमारे साथ इस ब्लॉग में जुड़े रहिए और मैं आपको इस पूरी कहानी को शुरुआत से सुनाता हूँ। मेरे साथ हुआ कुछ इस तरह, मैंने अपनी बाइक को OLX पे बेचने के लिए ऐड डाला। ऐड डालते ही 10 मिनट के बाद मुझे कॉल आता है, क्या भाई मैंने आपकी गाड़ी जो है OLX पे देखी है, मुझे आपकी गाड़ी बहुत अच्छी लगी और मेरे बेटे ने भी आपकी गाड़ी को पसंद कर लिया है, तो मैं आपकी गाड़ी को परचेज़ करना चाहता हूँ। मैंने अपनी गाड़ी का जो ऐड था 45,000 में डाला था, बट उन्होंने कहा कुछ प्राइस कम कर दीजिए प्लीज़, मेरे बेटे को गाड़ी लेना है, बहुत ज़िद कर रहा है। तो मैंने हाँ ना बोलते बोलते बोला ठीक है, आप उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया 40,000, मैंने अग्री हो गया। जब उन्होंने डायरेक्टली बिना देखे गाड़ी उन्होंने मुझे 40,000 का ऑफ़र दिया, तो मुझे कुछ तो दाल में गड़बड़ी लगी थी, क्या दाल में कुछ काला है। फिर भी मैंने उस चीज़ को पूरी तरह से सुना क्या वो और आगे क्या बोलने चाह रहे हैं। मैंने अपना कॉल रिकॉर्डिंग ऑन किया, उन्होंने बोला मैं आपको 10 मिनट बाद कॉल बैक करता हूँ, अपने बेटे से पहले बात कर लेता हूँ कि वो गाड़ी वो पक्का लेना चाहता है या नहीं। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप बात कर सकते हो थोड़ी देर के बाद। तो उनका थोड़ी देर मुझे कॉल आता है, बोलते हैं कि मेरे बेटे ने आपकी गाड़ी पसंद कर ली है, कन्फर्म है, तो यहाँ से मैं आपको अभी कैश आपकी गाड़ी एक घंटे में यहाँ से पिकअप करवा लेता हूँ, और मेरा बेटा है आपके यहाँ पर गाड़ी पिकअप करने के लिए, आपको 20,000 कैश देगा और यहाँ से आपको 20,000 में भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर देता हूँ। तो मैं मेजर बहुत उन्होंने कहा कि मैं कोई फ़ौज में काम करता हूँ वगैरह वगैरह, तो मेरे बरादर ने मेरे इस तरह कह रहा था कि मेरे बिरादर ने मुझे बोला है गाड़ी लेना है, तो मैंने बोला ठीक है आपके अगर बिरादर ने बोला तो आप ले लीजिए इस गाड़ी को। तो उन्होंने इस गाड़ी को पसंद की, वो कहने लगे कि मुझे आपको ट्रांजेक्शन करना है 20,000 ऑनलाइन अभी के अभी, और कैश आपको गाड़ी के एक घंटे में आपको कैश भी मिल जाएगा। मैंने बोला आप गाड़ी एटलीस्ट आके देख तो लो, ऐसा हो कि गाड़ी आपको देखे हो कुछ पसंद नहीं आए, बोलते नहीं इसकी कोई चिंता नहीं, गाड़ी फोटो में देख लिया है बहुत अच्छी लग रही है, मैं वो गाड़ी देखना नहीं, मेरे बेटे को भी अच्छी लगी। मैंने बोला चल ठीक है, वेल एंड गुड, मेरी गाड़ी भी बिकेगी, पर मुझे वहाँ पर शक था कि शायद से ये स्कैम हो सकता है मेरे साथ में। तो मैंने बात आगे की, क्या उन्होंने कहा ठीक है आप अपना फ़ोन पे यूज़ करते हो, मैंने बोला मैं फ़ोन पे यूज़ करता, उन्होंने मुझे पूछा फ़ोन पे यूज़ करते हो, हालांकि मैं फ़ोन पे यूज़ करता हूँ फिर भी मुझे शक था, इसलिए मैंने बोला मैं फ़ोन पे तो यूज़ नहीं करता, आप एक काम कर दीजिए आप मुझे PDC चेक दे देना, बाद में कैश करा लूँगा। बोले नहीं मुझे ये सब नहीं आता है करने, मैं फ़ोन पे या कोई गूगल पे अगर आपकी आईडी है तो आप अपना रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट नंबर दे दो। तो मुझे फिर डाउट हुआ, मैंने बोला एक काम कीजिए अगर आपका पेमेंट करना ही है मैं आपका अकाउंट नंबर और IFSC कोड आपको शेयर कर देता हूँ। फिर भी उन्होंने बोला नहीं मुझे फ़ोन पे ही आप दे दीजिए तो मेरा हो जाएगा काम। तो उसके बाद थोड़ी देर के लिए वो खामोश हो गया, मैंने बोला भाई देख करना है तो एक काम करो, आपको गाड़ी खरीदनी है रियल में तो आप कैश लेके आइए पूरा 40,000 और आप गाड़ी लेके चले जाइए। वो इस बात पे भी अग्री नहीं हुआ क्योंकि वो एक स्कैम था मेरे साथ। तो जैसे ही वो बंदे को मैंने कहा तू जानता है तू किससे बात कर रहा है, वो बोला किससे बात कर रहा हूँ, मैंने बोला ये तेरा जो नंबर है मैं भी जाके साइबर क्राइम में देता हूँ। तो उस बंदे ने क्या किया पता है आपको, तुरंत ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, और जब मैंने उसको वापस से कॉल करने की ट्राई की तो वो बंदे ने कॉल भी मेरा पिकअप नहीं किया। मतलब ये मेरे साथ एक स्कैम हो रहा था, और माइट भी मैं आपको अवेयर करना चाहूँगा कि आपके साथ भी हो सकता है। मैं आपसे बताना चाहूँगा अगर आपसे कोई भी फ़ोन पे की रजिस्टर्ड ID अगर मांगता है, अगर वो अननोन पर्सन है आपके लिए या बैंक के थ्रू वगैरह वगैरह, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर शेयर ना करें, क्योंकि वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके ऑलमोस्ट सारी बैंक से लिंक होता है, वो तुरंत ही आपके ऑन कॉल होंगे, आपके सारे पैसे वो अकाउंट से निकाल लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा इस बारे में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना नंबर किसी से भी शेयर ना करें, क्योंकि आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपको बहुत बड़ा नुकसान दे बहुत बड़े नुकसान में घाटे में डाल सकती है। तो आप थोड़ी भी लापरवाही ना करते हुए अपना नंबर किसी को भी शेयर ना करें, ना आपके मोबाइल पे आया हुआ कोई भी OTP आप किसी को शेयर ना करें, क्योंकि OTP के लिए कोई भी नहीं पूछता है आपसे। और अभी मैं आपके साथ अपना जो दूसरा इंसिडेंट मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ है मैं वो भी शेयर करना चाहूँगा। उसके नेक्स्ट डे मैं अपनी शॉप पर था जहाँ पर मैं अभी बैठा हूँ, और एक बंदा आता है मेरे पास, आते साथ उसने 2,000 की एक नोट निकाली और उसने मुझसे कुछ सामान मांगा। मैंने वो जो उसे वो सामान दे दिया, उसको छोटा भी वापस कर दिया। फिर वो बंदा अचानक से मुझे बोलता है क्या मुझे ये सामान नहीं चाहिए, आप मुझे पैसे वापस दे दीजिए। मैंने उसके पैसे वापस दे दिए,
और जो छुट्टा मैंने उसको दिया था उसने मेरे सामने उसने मेरे काउंटर पर रखा, और जैसे मैंने कैश उठाने के लिए वो काउंटर पर हाथ बढ़ाया उतने में सडनली दूसरा पर्सन आता है, वो मुझे कोई दूसरी चीज़ मांगता है। वो मुझे दूसरी चीज़ में इस तरह उलझा दिया कि मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं उस बंदे को हैंडल कर सकूँ जिसको मैं पहले अटेंड कर रहा था। और सडनली उतने ही देर में विद इन टू मिनट्स वो बंदा मुझसे बोलता है कि आप ये पीछे वाली चीज़ दे दो। जैसे मैं टर्न होता हूँ पीछे चीज़ लेने के लिए, वो वापस फ्रंट में आता हूँ, देखता हूँ जो बंदा जो पहले वाला था वो वहाँ से गुल हो चुका है। और थोड़ी ही देर के बाद 30 सेकेंड्स के बाद ये जो दूसरा बंदा मेरे पास आया था चीज़ मांगने, वो बोलता है यार मुझे ये सामान पसंद नहीं आया तो मैं फिर कभी आऊँगा लेने के लिए, और ये भी वहाँ से चला जाता है। और जैसे ही वो जाते हैं उसके एक या डेढ़ मिनट के बाद मुझे पता चलता है, जब मैंने अपना ड्रॉअर खोला देखता हूँ क्या, ना ही मेरे पास वो चेंज है, ना ही वो 2000 की नोट है, ना ही मेरा जो सामान था वो है। वो सामान भी ले गया, वो चेंज भी ले गया, उन्होंने जो पैसे दिया था वो तो मैंने उनको रिटर्न कर ही दिया था। इस तरह ने उन दोनों ने मुझे उलझाए रखा और मेरे साथ में एक धोखा किया। तो ये एक हफ्ते में मेरे साथ दो बार बातें हो चुकी है जिसमें मैं एक बार बचा हूँ एक बार फंसा हूँ। तो आप प्लीज़ इस तरह की गलतियाँ ना करें जो मैंने गलती की है। आप अपने आप को संभालें क्योंकि हमारी जो मेहनत की कमाई है बहुत, हम जानते हैं कितनी मेहनत से हम पैसे कमाते हैं। अगर कोई इस तरह का आदमी आता है, शख्स आता है हमारे साथ में गेम करके चला जाता है तो यहाँ दर्द होता है, यहाँ जो मुझे हुआ है। कोई बात नहीं, उसको ज़रूरत होगी, उसने इस तरह से पैसे कमाया, हम अपनी ज़रूरत को हलाल तरीके से कमा के अपनी रोज़ी पूरी करेंगे और अल्लाह तो बड़ा मालिक है। सो गाइस फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, और मैंने ये वीडियो में आपको पूरा इंसिडेंट शेयर कर दिया है, और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ताकि लोगों को भी इस वीडियो के बारे में पता चले कि OLS पे किस तरह के स्कैम की घटना घट रही है। और दूसरा इंसिडेंट जो मैंने आपको बताया उससे भी सतर्क रहे, सावधान रहे, क्योंकि दो जन आके ऐसा सफल अपने आप को मतलब बोलते हैं ना, कभी कभी दो जन एक साथ आ जाते हैं उसके बाद में फिर वो हिप्नोटाइज कर देते हैं, वो हिप्नोटाइज जैसा कुछ हो गया था मेरे साथ में। तब इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, फेक कॉल पे अपना पर्सनल मोबाइल नंबर आईडी ना दे, और इसके अलावा और कोई भी ऐसी इंसिडेंट हो तो आप उससे बिल्कुल शेयर करें। और अगर आपने इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को जल्द से जल्द अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस की नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मैं इसी तरह आपके लिए नया वीडियो भी लेके आऊँगा जल्द ही। तो जब तक के लिए मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में। गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम, शब्बा खैर।